नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई के ऑनलाइन पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज विभाग की तरफ से फिर से एक लेटेस्ट ज्वाइनिंग आर्डर आउट कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, पंचायती राज विभाग द्वारा फिर से एक और नए जिले का ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर निकल कर आ चुका है, तकनीकी सहायक का यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस का। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और समय कितना है ज्वाइनिंग के लिए, तो ज्वाइनिंग के लिए समय बहुत ही कम है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आगे चल के आपको पता चल जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट के लिए ज्वाइनिंग आर्डर निकल कर आ रहा है और समय कितना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं आपको पंचायती राज विभाग की तरफ से छोटी सी बड़ी खबर निकल कर आती है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ज्वाइनिंग आर्डर निकल कर आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करते हैं। अब तक के जितने भी ज्वाइनिंग आर्डर निकल कर आए होंगे आपको हमने वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। सभी डिस्ट्रिक्ट का ज्वाइनिंग आर्डर हमने आपको बता दिया है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट अब तक का ज्वाइनिंग आर्डर निकल कर आया हुआ है। और लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन भी हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहते हैं, दिन भर में 2 से 3 वीडियो आपको लेटेस्ट जॉब से जुड़े मिल जाते हैं। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह कैंडिडेट का नाम दिया गया है। टोटल 3 पेज का PDF है और आप लोग यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हो, आप लोगों की ज्वाइनिंग कहाँ की जाएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। और ये अपडेट पटना जिले की तरफ से आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिला पंचायती राज शाखा पटना की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ज्वाइनिंग आर्डर जारी किया गया। आप लोग पटना जिले के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे तो पटना जिले का भी आ गया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों को पता चल सके। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ID नंबर है, एप्लीकेशन नेम है, फादर्स नेम है, एंड यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ दिया गया, कैटेगरी है और डॉक्यूमेंट्स स्टेट दिए गए हैं, एंड हैंडीकैप है या नहीं और रिमार्क्स आप लोगों का दिया गया। ठीक, उसके बाद आप लोग इस तरह से अपना नाम चेक करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/1/2020 को 1 बजे अपराह्न जिला पंचायती राज कार्यालय पटना में नियोजन पत्र वितरण किया जाना है। निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त तिथि को समय वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो आप लोगों का नियोजन वितरण किया जाएगा, नियोजन पत्र दिया जाएगा 1 बजे तक अपराह्न 15/1/2020 को, और वहाँ पर आप जाएंगे तो किसी एक प्रूफ के साथ आप जाइएगा, या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या पहचान पत्र होना चाहिए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नियोजन पत्र दे दिया जाएगा और वहीं में लिखा रहेगा कि आपका नियोजन कहां पर होना है। ठीक, और उसके बाद आप सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग देख पा रहे हो यहां पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का संबंधित महाविद्यालय बोर्ड सत्यापन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है, तो आप लोगों का वहां पर जब नियोजन पत्र दे दिया जाएगा तो सत्यापन किया जाएगा आप सभी के डॉक्यूमेंट्स का, और यहां पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। तो आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अब तक के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मांगे गए हैं, आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहां पर लेके जाने हैं तो नियोजन वहां पर दिया जाएगा। और आप देख पा रहे हो यहां पर जिला पंचायती राज पटना पदाधिकारी की तरफ से 11 जनवरी को नोटिस जारी की गई है। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक, वहां से आप ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो PDF को, और ये PDF टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।